दोस्तों, एलोन मस्क जितने बड़े इंसान हैं, मतलब जितने पैसे वाले हैं, उतने ही बड़े ये फेकू भी हैं। अभी तक हमको यही सब खबरों में मिल रहा था कि एलोन मस्क ने ट्विटर को बाय कर लिया है $44 बिलियन के अंदर, और इसके बाद में खबरें कुछ इस तरीके की आती थी कि भैया अब ये CEO चेंज करने वाले हैं, कई तरीके के स्टाफ को निकालने वाले हैं, जो कि ट्विटर को और ज़्यादा बढ़ावा देने के मतलब विचारधारा नहीं रखते हैं, और ट्विटर को मैं पेड बना दूंगा सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन वगैरह के लिए, ये पेड होगा और भी कई जनों के लिए पेड होगा जो कि इससे अपना बिजनेस चलाते हैं। लेकिन अब सुनने में क्या आ रहा है कि ये ट्विटर की जो डील है, इसको एलोन मस्क ने दरअसल होल्ड पर रखा हुआ है। इसके ऊपर अभी तक उन्होंने एक रुपया भी अपनी जेब से निकाल कर ट्विटर को नहीं दिया है, तो यहां पर अभी तक ये डील हुई ही नहीं थी। तो हम सब इतने दिनों से क्या बन रहे थे? बेवकूफ बन रहे थे, सारे मिलके हमको पागल बना रहे बच्चे। हालांकि आपको याद होगा, एलोन मस्क ने बहुत सी ऐसी बातें कह रखी हैं पहले से ही, जो कि सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट होता है, लेकिन उनका कोई सर पैर नहीं होता। जैसे कि इन्होंने कहा था कि 2024 तक हम मार्स पर भेज देंगे इंसानों को, उसके बाद में इन्होंने कहा कि 2026 लगेंगे, फिर कहा कि एक डेकेड लग जाएगा, मतलब आने वाला जो डेकेड होगा उसके अंदर हम भेज देंगे। तो ये धीरे धीरे डिले करते जा रहे हैं, और एक्चुअली में मार्स पर जाने का टाइम होगा करीबन 2040 से लेकर 2050 का, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है। लेकिन अब अगर ट्विटर की इस डील के ऊपर बात करें, तो रियलिटी कुछ इस तरीके की है कि इन्होंने ट्विटर के करीबन 9% शेयर खरीद लिए $3 बिलियन देने के बाद में। अब इनको ऐसा लगने लगा क्योंकि इनके पास में सबसे ज्यादा शेयर हैं, तो इन्हीं की चलेगी ट्विटर के अंदर, और जो भी ये बातें कहेंगे, जो भी चेंजेस लाने को कहेंगे ट्विटर के ऊपर, उसको ये करवा पाएंगे क्योंकि इनके पास में सबसे ज़्यादा शेयर हैं। लेकिन हुआ ऐसा कि ट्विटर के अंदर इनकी बिल्कुल भी नहीं चली। इनको ऐसा लग रहा था कि चलेगी, लेकिन नहीं चली। वहाँ पर इनको कह दिया कि आप एक इन्वेस्टर हो, तो इन्वेस्टर की तरह ही रहो, और अगर आपको अपनी मनमानी करनी है तो भैया बोर्ड मीटिंग के अंदर आओ, बोर्ड के एक मेंबर बनो। लेकिन बोर्ड के अगर ये मेंबर बन जाते तो ये 15% से ज़्यादा शेयर खरीद ही नहीं पाते ट्विटर के, तो ये ट्विटर के मालिक कैसे बनते? अब आई बात कि चलो मुझे ट्विटर का अब मालिक बनना है, मैं पूरी तरीके से इसको खरीद लूँगा, फिर अपनी चलाऊंगा। अब ट्विटर की वैल्यू क्या होगी जिस हिसाब से इन्होंने शेयर खरीदे, 9% खरीदे थे, जो कि करीबन $3 बिलियन देने के बाद में खरीदे थे, तो उस हिसाब से ट्विटर की पूरी वैल्यू होनी थी 30 बिलियन से लेकर 35 बिलियन के आसपास में। तो इन्होंने ट्विटर वालों को एक डील दी कि भैया 26 बिलियन में मान जाओ। ट्विटर ने कहा ना कि हमें नहीं बिकना है। उसके बाद में $30 बिलियन का उसके ऊपर भी ना हुई, $33 बिलियन का उसके ऊपर भी ना हुई, $40 बिलियन कहा गया उसके ऊपर भी ना, कह दी कि हम बिकाऊ नहीं है, हम किसी कीमत पे नहीं बिकेंगे। लेकिन सबकी एक कीमत होती है, जिसके बाद में इन्होंने रखे $44 बिलियन की डील कि भैया इस पर मानते हो कि नहीं मानते। तो ट्विटर के जितने भी इन्वेस्टर थे, उन्होंने कहा ये फायदे का सौदा है, अगर हमें अपनी वैल्यू का 50 गुना मिल रहा है तो यही सही डील है, ट्विटर को बेच देना चाहिए। जिसके बाद में ट्विटर ने $44 बिलियन की वर्थ पे एग्री कर लिया था कि चलो ये डील फाइनल करते हैं, दोनों ने हाथ मिलाया। लेकिन इसके बाद में वही हुआ जो कि हम सब के साथ में किसी भी मार्केट के अंदर जाने के बाद में होता है। जैसे कि आप मार्केट में गए, आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपने उसका रेट लगवाया, दुकानदार ने कहा कि भैया मैं इतने में बेचूंगा, आपने कहा नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा लगा दिया आपने, आप इतने में दे दो मुझे, और वो एकदम से ही मान जाता है। फिर आपके दिमाग में ख्याल आता है कि यार ये तो बड़ी जल्दी मान गया, मैंने इसको ज़्यादा रेट लगा दिए, मुझे इसको कम में ख़रीदना चाहिए था, नहीं यार मैं इतने पैसे नहीं दे सकता इसके लिए। तो उसके बाद में आप क्या करते हो, उसके बाद में आप उस चीज़ में कमियां निकालने लग जाते हो। जैसे कमीज खरीदेंगे, नहीं यार ये कमीज टाइट है, थोड़ी सी यहाँ से टाइट है, उधर से ये है, उधर से वो है, कमियां निकालनी शुरू कर देते हो। इसके बाद में चलो मैं एक बार आता हूँ ज़रा दूसरी दुकान से, मुझे ये पैटर्न समझ नहीं आया, मुझे ये साइज़ समझ नहीं आ रहा, वो दिखाया जा रहा है कि अच्छा ये वाला ले लो। लेकिन हमें जब लेनी नहीं है तो हम नहीं लेंगे, हम नहीं कटने वाले। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कट जाते हैं दुकानदार से, लेकिन कुछ जो होते हैं निकलने की सोचते हैं। तो वही सेम चीज़ एलोन मस्क कर रहे हैं, इस डील से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि $44 बिलियन दरअसल $10 बिलियन ज़्यादा पे कर रहे हैं एलोन मस्क, जो कि उनको खटकने लग गया है अब, जिसके बाद में अब उन्होंने इसके अंदर कमियां निकालनी शुरू कर दी है। और कमी उन्होंने ट्विटर के ऊपर कुछ इस तरीके से निकाली है कि भैया यहां पर 5% के आसपास में फेक अकाउंट्स हैं, बॉट्स हैं, स्पैम है, और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। 44 बिलियन
ट्विटर की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, जो कि उनको बहुत पहले से पता था, लेकिन जोश जोश में उन्होंने इस बोली को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके बाद में वो 44 बिलियन यूएस डॉलर तक ले गए, जहां पर ट्विटर एग्री भी हो गया, लेकिन इसके बाद में अब ये पीछे हट गए और इस डील को होल्ड पर लगा दिया। लेकिन एलोन मस्क इस तरीके से नहीं बचने वाले हैं इस डील से। दरअसल ट्विटर उनको कोर्ट के अंदर भी लेके जा सकता है, जहां पर 1 बिलियन यूएस डॉलर की ब्रेकअप फी देनी पड़ जाएगी एलोन मस्क को इस पूरी की पूरी डील को टर्मिनेट करने के लिए। लेकिन एलोन मस्क का कहना है कि ये डील अभी भी कायम है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन शायद यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है, तो हमें रीकैलकुलेट करना पड़ेगा ट्विटर की एक्चुअल वैल्यू को। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है जो कि हमारे साथ में होती है, और ये हर जगह का ही माहौल है। लेकिन यहाँ पर ट्विटर अब एलोन मस्क को कोर्ट में भी लेके जाएगा। 1 बिलियन टर्मिनेशन फी तो लेगा ही लेगा अगर डील कैंसिल करते हैं एलोन मस्क। इसी के साथ साथ वो उन पर लॉ सूट भी मारेगा उनकी कंपनी को डीफेम करने के लिए, कि यहाँ पर फेक अकाउंट है, बॉट है, स्पैम है, फलाना ढिमकाना, बहुत सी बुराइयाँ करके निकलना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो निकलने नहीं देंगे। ये एक ऐसा फंदा बन चुका है एलोन मस्क के लिए, जिसको वो अब बाय करके ही निकलेंगे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।